अभी मैं जा रही हूँ खेत में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार और अपना लोग सकलो के मोर यूट्यूब चैनल ले पुनर बार स्वागत है। सो गाइज, एज यू कैन सी मैं थोड़ा सा डिफरेंट लुक में हूँ। एक्चुअली आज हम करने वाले हैं एक फ़ोटोशूट माघ बिहू के लिए, क्योंकि परसों ही है माघ बिहू, तो हमने सोचा कि बस ऐसे इंस्टा के लिए और एक व्लॉग भी बना लूँगी, तो हमने सोचा कि एक फ़ोटोशूट करते सौरव में और तार्किक दा के साथ करेंगे। ही इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स इन असम। तो जब मैं मुंबई से आ रही थी तभी उनके साथ प्लान बना था कि एक बार जाके एकदम सिंपल जो लुक होता है, एज यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा सिंपल लुक है, बस बिंदी लगानी है, वो मुझे रास्ते से लेना होगा क्योंकि मेरे पास नहीं था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लुक है और थोड़ा हमने सोचा है कि थीम टाइप करेंगे, कुछ डिफरेंट होगा। आई एम श्योर आप लोगों को देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो। अभी मैं ऑलरेडी मतलब घर से निकल चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ, पहले मैं तार्किक दा के घर जाऊँगी, वहाँ उनके साथ विल गो टू पिक सौरव एंड देन हम जाएंगे चंद्रपुर प्रोबेबली। सो लेट्स गो। हम लोग पबीतरा जा रहे हैं गाइस, पबीतरा। तू कितिया कोई कौन है? और अभी मैं आई हूँ एक दुकान में बिंदी लेने के लिए, एकदम होड़ू साड़ी वो ब्लैक कलर ऐसे ना ब्लैक। सो बिंदी लेने के लिए आई हूँ क्योंकि बहुत खाली खाली सा लग रहा है, तो एक बिंदी होगा तो अच्छा लगेगा, मतलब बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा, खाली खाली नहीं लगेगा। सो ले लेती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद हम जा रहे पोपी तोड़ा। आइए गंध गंध ले लीजिए आप लोग। सुगंध सुगंध स्मेल तो है। एंड यहाँ से हम लेने वाले हैं ये जिसे बोलते हैं जाकोई, इससे हम शूट करने वाले हैं। और गाइज अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे फोटो शूट, ये जो पेड़ के नीचे करने वाले, बहुत ही शांति वाला एरिया है और पीछे यू कैन सी द ग्रीनरी। माय गॉड दिस इज़ सो सो ब्यूटीफुल। और बहुत दिनों बाद, बहुत एक्चुअली सालों बाद ऐसा कुछ, ऐसा एक एनवायरनमेंट में आए, ऐसे एक एनवायरनमेंट में आए हम। तो अभी जो शॉट है वो ये है कि साइकिल में हम आएंगे और हमने अंकल को पूछा ही नहीं कि साइकिल हमें देंगे या नहीं, और सौरभ चलाने वाला है और वो तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये मुझे गिराएगा बंदा पक्का। की कैसे हो माने लुकी। और हमारा इस लोकेशन में हो गया, हमने जल्दी जल्दी क्लिक कर लिया और थैंकफुली वो साइकिल भी मिल गया, तो बहुत बहुत सुंदर पिक्चर्स आए जो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम में, तो फॉलो करके रखना। और अभी हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन में, वहाँ पे जाके हमारे पास एक्चुअली आज बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारे प्रॉप्स है, उसके साथ हम शूट करने वाले। तो अभी हम दूसरे लोकेशन में जा रहे हैं थोड़े गाँव के अंदर और वहाँ पर जाके करने वाले हम शूट। ये देखो गाँव का लड़का। और अभी हम आए हैं हमारे दूसरे लोकेशन में, अभी हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरा लोकेशन किसी का घर है, एक्चुअली हमें नहीं पता किसका घर है, पर वो फील है उस घर में जो हमें चाहिए था, मतलब एकदम प्योर गांव वाली फीलिंग, वो वाली फीलिंग है। और मतलब वो सब है नोंगोला मूक है नॉल, वो लोग जो असम से उन लोगों को समझ में आएगा। तो अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं, हमें नहीं पता किसका घर है, बट देन वी आर गोना रिक्वेस्ट देम कि हमें शूट करने की परमिशन दे, लाइक मतलब फ़ोटो शूट, वीडियो नहीं बनाएंगे, तो फोटो शूट के लिए परमिशन दे एंड लेट्स गो कि परमिशन देते या नहीं देते। हम सब बोबो जाना ने ना जाना है ने जाने ओ हम दे जाने एकरे साइज इन देके पटाइसो मैं पासले टेंशन ना आरो गामुसा समोसा निकिनो आरो हम दे कथा दे के होल कथा दे के बिकिता इठ होइसले ताई एनके कोलकाता दिसिले तो बिसे बिसे पाइसलो थैंक यू।
और ये है पवित्रा गाइस, राइनो, फिर बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे ही घूमते रहते। हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही शूट करेंगे। ये लुफ्ट वाला ब्लैक लोरा मन रहा कि नहीं कि मन भूत का हो पा रहा है। खाना पैक कोई से मुंह करे क्या नहीं से मांस भात हां ये तो कहने की बांधी नेक तने के तने के। और अभी मैं जा रही हूँ खेत में खाना देने के लिए, खाना लेके आई हूँ। और जिसको खाना देने जाना है वो देखो पीछे फ़ोन चला के आ रहा है। तो हम जा रहे हैं उस घर में, पता नहीं घर में कोई रहते हैं, उस वो सांगर समान स्टेज देर। अभी हम जामे जाके उनको बोलना है कि प्लीज़ निकलिए आप अपने घर से, हमें शूट करना है। वो बहुत थक गई मैं, बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ कर रही हूँ, एक्सरसाइज हो गया पूरा। ওকাধা নর মাঝে মাঝে হরু হরু আলী ও হরু আলী বলা বলা পাইবা এখিনি ভাল হলো মাঝে ফোন ভাল লাগে ভাল লাগে নিছে মাটি কিনি তাম না দিছে ওকাধা নর মাঝে মাঝে হরু হরু আলী বলা তুমি হাওয়াই সেন্টার জমু দিয়া না, তুমি ক্রক জুর পিনা হ্যাঁ ক্রক পিনি এসে না মুখ পাহাড়ি হাসু আলী পাহাড়ি না তুমি ক্যামেরা না সময় লাগে যা अभी हम आए थे खेत के बीचों बीच जहाँ पे कीचड़ वीचड़ में हमने शूट किया। और कितने साफ है कहते हो, थक गई। और हमारा हो गया है अभी शूट कंप्लीट। वो चेंज कर रहा था। अभी हमारा शूट कंप्लीट हो गया है, हमारा जो फोर चेंजेस किया और पूरे वक्त से पहले एक्चुअली ख़त्म हो गया हमारा शूट। अभी वी आर गोइंग होम, डायरेक्टली नहीं जा रहे, पहले ड्रॉप करेंगे फिर उसके बाद हम वहाँ से जाके फिर मैं कैब लूँगी एंड ऑल। पर बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स आए जो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम में, तो फॉलो करके ज़रूर रखना। अभी नाउ लेट्स गो टू होम। देखो अनवांटेड गेस्ट। और अभी हमारा सब कुछ हो गया, बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गई थी उसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए, फिर सिर भी दर्द हो रहा था क्योंकि भूख भी लगी थी, तो हमने यहाँ पे खाना खा लिया ऐसे ही फ्राइड राइस। तो अभी मैं सीधा जा रही हूँ घर, सौरभ यहाँ से अपने घर जाएगा क्योंकि पास में ही है उसका घर, मेरा थोड़ा सा दूर है यहाँ से, मेन घाटी से थोड़ा सा अंदर है, तो मैं जा रही हूँ अकेले अभी। और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा शूट हुआ है। सो अभी पर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, अभी जाके मुझे वीडियो भी एडिट करना है, बहुत सारा काम बाकी। सो नाउ लेट्स गो। और मैं आ गई हूँ घर, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं कैब में सो गई। और गली पहुँची हमारे यहाँ पे जहाँ से टर्न लेना होता है, वहाँ पे लोकेशन ख़त्म हो गया, तो फिर भैया मुझे उठा रहे, मैम आपको कहाँ जाना है? लो भैया इधर ही उतार दो। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। और रास्ते में इतना धूल है भाई साहब, मतलब मेरे सारे बाल एकदम रफ रफ से हो गए, वैसे भी रफ ही थे। तो अभी मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और फिर उसके बाद बिग बॉस देखूँगी।